नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर अपनी नई वीडियो के साथ में, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था। पिछली वीडियो थी हमारी एविएशन इंट्रो के बारे में, जिसका थंबनेल ये है और आप इसको देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। इसमें हमने इस एविएशन का इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है रनवे। जी हाँ, तो चलिए आइए जान लेते हैं रनवे के बारे में। वेलकम बैक वंस अगेन। इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल द डिटेल पर्टेनिंग टू द रनवे। रनवे के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आप किन किन सवालों का जवाब जान पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं बीच में तो आप अधूरी जानकारी ही प्राप्त कर पाएंगे। प्लीज़ आखिर तक वीडियो के साथ बने रहें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि रनवे क्या है, ये क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर दो, रनवे की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आया, ये कब स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन, रनवे किस काम आता है और ये कहाँ होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर चार, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, रनवे पर क्या क्या मार्किंग होती हैं और वो किस काम आती हैं, पायलट उनको कैसे समझता है, उनके क्या मायने हैं, वो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर पाँच, रनवे कितने तरीके के हो सकते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर छः, रनवे पर लाइट्स होती हैं या नहीं, अगर होती हैं तो उनके क्या मायने हैं और पायलट उनको कैसे समझता है, उससे उसको क्या मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर सात, रनवे पर जो लाइटिंग होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, क्या वो ऑटोकट होती हैं, खुद ही जलती हैं, खुद ही बुझती हैं, या उनको किसी इंसान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आठ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर चार की तरह, रनवे सेफ्टी इशू, ये रनवे सेफ्टी इशू क्या है, क्या हमें रनवे की सेफ्टी करना जरूरी है या नहीं, इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ये हम इस बारे में देखें। क्वेश्चन नंबर नाइन, ये जो रनवे नाम की चीज़ है ये किस मटेरियल से बनाई जाती है, क्या चीज़ इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, ये हम इस बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर दस, रनवे की लेंथ कितनी होती है और कितनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या कोई भी जहाज़ किसी भी हवाई पट्टी या रनवे पर उतर सकता है। तो इन 11 सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ आखिर तक। तो सबसे पहला सवाल, रनवे क्या है। तो आइकाओ, जिसके बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अगर अनुसार हम देखें तो रनवे एक ऐसी आयताकार पट्टी है जो हवाई अड्डों पर बनाई जाती है जहाज़ के उतरने और चढ़ने के लिए, यानी उड़ने के लिए। और इस तरीके की पट्टी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, वन बाय वन हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दो, जहाँ तक हम रनवे हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप सभी ने राइट ब्रदर्स का नाम ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, ये वही लोग हैं, दोनों भाई हैं, जिन्होंने आज इस हवाई जहाज़ जो हम लोग अपनी आँखों के आगे देखते हैं, इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने सन 1919 में एक ऐसी जगह की बात की थी जहाँ पर पायलट जो आसमान में ऊपर है, क्योंकि हमें जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें रास्ते नहीं होते और हमें पता नहीं लगता कि हमें कहाँ उतरना है, तो उन्होंने एक ऐसी ज़मीन की जहाँ पर कुछ ऐसे चिन्ह हो जो ऊपर बैठा हुआ इंसान जो हेलीकॉप्टर या जहाज़ में है वो ऊपर से देख करके और अब उसके अनुसार वहाँ पर लैंड कर सके, उतर सके। तो ऐसी एक पट्टी की बात उन्होंने सन 1919 में करी थी, जिसको रनवे कहा गया। अगर मैं रनवे को दो भागों में तोड़ दूं, रन और वे, यानी कि दौड़ने के लिए रास्ता, उसको रनवे कहा जाता है, हवाई पट्टी हिंदी में कहते हैं इसको। तीसरा सवाल था कि ये किस काम आता है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि एक ऐसी आयताकार पट्टी जो कोई भी इंसान जो हवाई जहाज में है, जो उसको चला रहा है, उड़ा रहा है, उसको पता लग सके कि उसे कहाँ उतरना है, एक ऐसी ज़मीन की आवश्यकता होती है जो बिल्कुल साफ़ हो और उसके उतरने के लिए वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उसको रुकावट कर सके। तो इसीलिए ये एक हवाई जहाज़ के उड़ने और उतरने के काम आता है। यहाँ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि रनवे को बनाने में इतना खर्च नहीं आता जितना कि उसके रखरखाव में खर्च आता है। तो गाइस, फोर्थ सवाल ये है कि रनवे पर मार्किंग क्या होती है। तो रनवे देखिए कुछ इस तरीके का होता है और इस पे जितनी भी मार्किंग है हम इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले लेते हैं ये पीली तिरछी लाइनें, ये ब्लास्ट पैड कहलाती हैं या स्टॉप एरिया कहलाती हैं या
ओवररन कहलाती हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है पीले रंग में, जो जहाँ पर तिरछी लाइनें बनी हुई हैं, ये रनवे नहीं होता, ये वो एरिया है जहाँ पर जहाज़ का जब इंजन स्टार्ट होता है और वो थ्रस्ट उसमें से पैदा होता है, जो उसका जो इंजन के पीछे से जो हवा कह सकते हैं हम, अगर आसान भाषा में समझना चाहें उसको थ्रस्ट कहते हैं, वो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर उसके पीछे कोई भी सामान हो तो वो उड़ सकता है। तो ये एरिया रनवे के पीछे इसलिए छोड़ा जाता है कि जब हवाई जहाज उड़ने के लिए तैयार होता है और उसका इंजन फुल स्पीड में थ्रस्ट देता है तो उससे निकलने वाले प्रेशर से पीछे की ज़मीन जो है उखड़ ना जाए, क्योंकि अगर वो उखड़ जाएगी तो धीरे धीरे उखड़ते उखड़ते वो रनवे को ख़राब कर सकती है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो रनवे के पीछे कुछ जगह छोड़ी जाती है जिससे कि वो जो थ्रस्ट उससे निकल रहा है उससे रनवे के पीछे की ज़मीन ख़राब ना हो, लेकिन इसको इतना मजबूत नहीं बनाया जाता कि इस पर कोई भी जहाज़ उतर सके। जी हाँ, ये बात यहाँ पर याद रखने वाली है कि इस पट्टी पर जहाज़ नहीं उतर सकता और ना ही उसको इस पर चलने की इजाज़त होती है। ये इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है। मान लो कि एक जहाज़ अभी उड़ने के लिए तैयार हुआ है और वहाँ पर उसको उड़ने की जब परमिशन मिल जाती है ATC से और वो उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और मान लो कि उसका आधे रास्ते में ही इंजन ख़राब हो गया जब वो उड़ने वाला था। इसकी एक स्पीड होती है जिसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो V1 और V-Rotate और V2 के नाम से होती हैं। तो जब वो उस स्पीड तक पहुंचने से पहले इंजन ख़राब हो गया और वो उड़ नहीं पाया, अब चूँकि उसकी स्पीड इतनी है कि उसको स्पीड को रोकने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है और रनवे कम पड़ जाता है, तो ये थोड़ा सा जो भाग है ये उस टाइम काम आता है एयरक्राफ्ट को सेफली रोकने के लिए। ये वो एरिया है जहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट ओवर रन कर गया उतरते हुए या चढ़ते हुए, रुक नहीं पाया, तो इस हालत में यहाँ पर उसको ला करके रोका जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर टैक्सी करना मना होता है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली इसके ऊपर चलते जाएंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो ताकत है, वो ख़त्म होती जाती है, और इस पर एयरक्राफ्ट को खड़ा करना भी मना होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का वज़न कई हज़ार किलो में होता है, तो उसको उसका जो वज़न है ये सहन नहीं कर पाता और ये ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इसको पीले रंग में बनाया जाता है ताकि दूर से इसको देखा जा सके। अगली हम बात करते हैं, ये जो वाइट कलर के एरो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये वाइट कलर के एरो जो हैं ये डिस्प्लेड थ्रेशोल्ड कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आगे आपने जो देख रहे होंगे ये छोटी छोटी पट्टियाँ लाइनों से लगी हुई हैं, ये थ्रेशोल्ड कहलाता है, और इससे पहले ये डिस्प्ले थ्रेशोल्ड कहलाते हैं। डिस्प्ले थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि इसके आगे जाने के बाद रनवे स्टार्ट होता है, ये उसकी बाउंड्री है, यहाँ सर यहाँ के बाद अपना जो है रनवे स्टार्ट होगा, जिसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा होती है और अकॉर्डिंग टू द एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट के अनुसार उसको बनाया जाता है। तो इस पर भी जहाज लैंड नहीं करता और ना ही टैक्सी करता है अमूमन, लेकिन थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में ये जो पट्टी आपको दिख रही है ये थ्रेशोल्ड कहलाती हैं, यानी कि रनवे का स्टार्ट या एंड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका जो बेहतरीन नमूना हमें रात में पता लगता है लाइटों के द्वारा, लेकिन अगर हम दिन में देखें तो ये नॉर्मल दोनों एंड पे ऐसे ही दिखाई देता है। तो ये मार्किंग थ्रेशोल्ड कहलाती है। ये एक चीज़ और हमें बताती है रनवे की जो चौड़ाई है। जी हाँ, ये पट्टियाँ अगर आप काउंट करेंगे तो वो काउंट करने के बाद आपको एक स्पैन, एक चौड़ाई देती है उस पर्टिकुलर रनवे की, जो पायलट है वो ऊपर से काउंट कर लेता है कि रनवे कितना चौड़ा है। क्योंकि जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं जैसे 747-380 एयरबस का और 767, इनकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इनको एरिया ज़्यादा चाहिए रहता है उतरने के लिए। तो उसी अनुसार अगर एयरपोर्ट ऐसे एयरक्राफ्ट को उतारने के लिए बनाया गया है तो उनकी चौड़ाई ज़्यादा रखी जाती है, और चौड़ाई का अनुमान लगाने के लिए इन पट्टियों को गिना जा सकता है। तो FAA के अनुसार, जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अनुसार ये पट्टियाँ चार हो सकती हैं, दो इस तरफ और दो उस तरफ सेंटर लाइन के।
या 6 हो सकती हैं, 3 इस तरफ और 3 उस तरफ, या 8 हो सकती हैं, 4 इस तरफ और 4 उस तरफ, या 12 हो सकती हैं या 16 हो सकती हैं। अगर आपने दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे को देखें तो वहाँ पर 16 पट्टियाँ आपको मिलेंगी। मस्कट की मैं अगर बात करता हूँ वहाँ पर आपको 16 पट्टियाँ मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रनवे हैं ये एयरबस 380 को उतारने के लिए परफेक्ट हैं। अगर मैं इनकी चौड़ाई की बात करूं तो ये जो चार लाइनों वाले जो चार पट्टियां हैं दो इस तरफ और दो उस तरफ, उनकी अगर मैं बात करूं उस रनवे की जो चौड़ाई होगी वो 60 फीट होगी। उसके बाद जो छह लाइनें होती हैं तीन इस तरफ और तीन उस तरफ, तो उसकी जो चौड़ाई होती है 75 फीट होती है एंड टू एंड। अगर मैं आठ लाइनों की बात करूँ तो उसकी चौड़ाई होगी वो 100 फीट होगी, और ऐसे ही 12 लाइनों वाले की 150 फीट और 16 वाले की 200 फीट। गाइस ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए इसके दो पार्ट बनाऊंगा, एक ये जो अभी चल रहा है और नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे जिसमें मैं बाकी के क्वेश्चन आपको बताऊंगा।